नमस्कार दोस्तों, अब हम यह चर्चा करेंगे कि हम परमात्मा के आगे प्रार्थना कैसे करें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, हे परमात्मा हमें इतनी शक्ति देना, हमारे पास इतने साधन देना कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, भोजन की कमी ना हो, कपड़े की कमी ना आने दें और उनकी शिक्षा संबंधी ज़रूरतें हम पूरी कर सकें। हे परमात्मा हमें इतनी समर्था देना। दूसरी बात, हे परमात्मा हमें इतनी शक्ति देना कि हम उनको बुराइयों से बचा सकें। हे परमात्मा यह आप ही उनको शक्ति दे सकते हो कि उनको बुराइयों से हमेशा बचाए रखो, क्योंकि हम तो 24 घंटे उनके साथ रह नहीं सकते, इसलिए उनकी निगरानी आप ही कर सकते हो। परमात्मा वह कोई बुराई में ना फंस जाए, कोई उन्हें चोरी करना ना सिखा दे, कोई और बुरी आदत ना डाल दे, नशे की आदत ना डाल दे। समाज में लाखों बुराइयां हैं, हे परमात्मा उन्हें ऐसे मित्र देना, ऐसा समाज देना, ऐसा पर्यावरण देना कि वे बुराई ना सीख सकें, उनमें अच्छाई की भावना हो। हे परमात्मा वह बुराइयों से बचे रहें और अच्छाइयां ही उन्हें आकर हमेशा मिलें और वे अच्छाइयों से ही प्रेरित रहें। हे परमात्मा वह कभी बीमार ना हो, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे को बीमार देखकर बड़ा ही दुखी हो जाता है और वो बड़ा ही परेशान हो जाता है, इसलिए परमात्मा उन्हें कभी कोई बीमारी ना हो, वे स्वस्थ रहें, वे एक फूल की भांति हो जाए, एक फूल की भांति सुंदर होकर महके, उनका विकास हो, उनका सभी तरह से विकास हो। हे परमात्मा शारीरिक मानसिक बौद्धिक सभी तरह से वे विकसित हो जाएं, वे किसी क्षेत्र में पीछे ना रहें, हमेशा उनमें आगे बढ़ने की भावना हो और वो अच्छी पर्यावरण में उनका विकास हो। हे परमात्मा मेरे बच्चों की ऐसी सदगति उनको देना, ऐसा विकास उनका करना। धन्यवाद है परमात्मा।